लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, ये अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? तो फिर कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव। हठधर्मी हो तुम, और तुम हो कौन? वही जिसे तुम्हारे भीतर रहना था किंतु बाहर रहना पड़ रहा है। शब्द जाल में मुझे मत उलझाओ और अपना परिचय दो। मैं तो तुमसे भली भांति परिचित हूं, तुम भी मुझे जान लो। मैं शिव तत्व हूं। तो तुम परिचित हो मुझसे? बताओ मैं कौन हूं? तुम अज्ञान हो। शिव तत्व, जब जानते हो कि मैं अज्ञान हूं तो फिर दूर रहो। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? दुर्बल से कैसा भय? दुर्बल? मैं दुर्बल? तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं यदि किसी प्राणी के मन बुद्धि में बैठ जाऊं तो पल ही पल में लाखों प्राणियों को मृत्यु के मुख में धकेल सकता हूं। मेरी शरण में आकर ही हिंसा रक्त की नदियां बहा देती है, परिवार से लेकर राज्य तक उसमें लील जाती है। मेरे चरणों का आश्रय पाकर ही ईर्ष्या, कुबुद्धि, दुर्भावना, दुष्प्रीति, युद्ध, कलह, विवाद और शत्रुता को जन्म देती है। मेरे भीतर जब घृणा की आंधी उठती है तो एक प्राणी दूसरे के प्राणों का प्यासा हो जाता है। मुझसे उत्पन्न असत्य और छल जब नंगा नृत्य करते हैं तो समूचा जगत कांप उठता है। और तुम मुझे दुर्बल कहते हो? क्या तुम ये सब कर सकते हो? ऐसी विनाश लीला करना गर्व की नहीं, लाज की बात है। मैं ये सब नहीं कर सकता। ऐसा करना धर्म भी नहीं है मेरा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं जन जन के मन में शांति, प्रेम,
सत्य और अहिंसा की सरिता प्रवाहित कर उन्हें एक सुखद शांतिमय और आनंदपूर्ण जीवन दे सकता है। तुम्हारे अहंकार के अंधकार से दूर रहकर प्राणी मात्र को वो प्रकाश दे सकता हूं जो जीवन को धन्य और कृतार्थ कर सके। मेरी शक्ति विनाशक नहीं, रचनात्मक है। बस बस, धरती के मानव को देखकर रचनात्मक शक्ति का कुरूप परिणाम देखा है मैंने। जो कुरूप परिणाम तुमने देखा है वो मेरी रचनात्मक शक्ति का नहीं, तुम्हारी विनाशक शक्ति का है। मैंने तो सदा आत्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। प्राणी सौंदर्य प्रेमी और सृजनशीलता का समर्थक है, वही मैं करता। तुम दुष्ट, नीच और कायर हो। यदि तुम मेरे मार्ग में बाधक बने तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। वो तुम्हारे वश में नहीं है। क्रोध में मुझे अपशब्द कहना भी तुम्हारी अज्ञानता ही है। अपशब्द कहकर दुष्टता तुम कर रहे हो, फिर भी दुष्ट मैं हूं। अपनी बहन पार्वती की शिव आराधना के उच्च उद्देश्य से असंतुष्ट तुम हो, फिर भी नीच मैं हूं। शिव की भक्ति से भयभीत तुम हो, फिर भी कायर मैं हूं। उल्टा सोचते बोलते और करते हो, इसीलिए परिणाम भी उल्टे होते हैं। तभी तो तुम्हारा नाम अज्ञान है। चुप हो जा रे वाचाल। मेरे सोचने बोलने या करने पे बोलने वाला तू कौन होता है? किसने दिया तुझे ये अधिकार कि तू मेरे बारे में माप तोल कर सके? मेरी बहन पार्वती के विषय में बोलने वाला तू कौन है? बोलता क्यों नहीं दुष्ट? मैं दुष्ट नहीं, ईष्ट। कहा ना, मेरा मूल स्थान तुम्हारे भीतर है। परंतु वो तब होता है जब तुम ज्ञान होते हो, जब अहंकार का आ तुम्हें ढक कर अंधकार में ढकेल देता है, तब तुम ज्ञान नहीं रहते, अज्ञान हो जाते। तब मैं भी वहां नहीं रह सकता, बाहर निकल आता। रे अधम, मुझे अहंकार और अंधकार से ढका हुआ अज्ञान कहने का साहस तूने कैसे किया? जानता है, मैं जो भी कुछ सोचता कहता और करता हूं वही रीति और नीति संगत होता है। यही है वो अहंकार, यही है वो अंधकार और यही है वो अज्ञान जिसके कारण जगत में अशांति व्याप्त होती है। इसलिए हे अज्ञान, अपने इस आ को तोड़ दो, मिटा दो इसे, खंडित कर दो इसे, ताकि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं। भीतर प्रवेश कर सकूं? क्यों करने दूं मैं तुम्हें अपने भीतर प्रवेश? दूर हट। बड़ा शिव तत्व बनता है, ना किसी को कुछ सोचने देता है, ना ढंग से कुछ करने देता है। जा जा जाकर अपने शिव में समा जा। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है, अब तो शिव को जगत में समाना है और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति।
प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ है? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। चरित्र, परहित, परकल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक ना बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है, मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है, आज से लेकर एक मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण।